ये हो गया एक मुट्ठी चोकर, आपने डालना है ऐसे, इसके अंदर एक मुट्ठी चोकर डाल दिया। अब इसके जो है ना मैश करना है, इसको मिक्स कर लेना है और इसको आपने पानी से गीला करना है, पानी से, ठीक है, ताकि जो है ये दलिये जैसा बन जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि यार हर किसी के घर पे जो है ना मुर्गियाँ होती हैं, दो चार छः जितनी भी लोग जो है ना अंडों के लिए रखते हैं, अपने एक दो अंडे जो है ना डेली के आते रहे, तो यार इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मालूम है। अब देखें क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है तो कोई भी नहीं ख़रीद सकता 150 रुपये किलो दाना, ठीक है। तो मैंने बहुत ही सस्ता दाना बनाया है और जिसके अंदर जो है ना इसमें आपको मतलब कोई परेशानी नहीं होगी, सीधा सीधा चोकर है और फीड है, ठीक है। फीड आपकी है 150 रुपये किलो, चोकर आपका है 70 रुपये किलो, ठीक है। मोटी फीड 150 रुपये किलो है और चोकर 80 रुपये किलो है मोटा वाला। तो आपने जो है लेना है भाई एक एक किलो चोकर, एक किलो चोकर, एक किलो फीड, ये हो गए 150 रुपये का चोकर, 70 रुपये इसके हो गए, तो आपके ये चार्जेस बन गए 220 रुपये टोटल। तो ये आपका हो गया 20 दिन का चारा, 20 दिन पूरे 20 दिन चलेगा ये, और इसमें आपकी 3 मुर्गियां खाएंगी, एक मुर्गा, दो मुर्गियां, ठीक है, 20 दिन का चारा होगा। और जिसके घर पे जो है थोड़ा बहुत एंड का खाना वाना बच जाता होगा वो भी डाल देता होगा। अब डेली तो नहीं बचता ना, तो डेली कुछ ना कुछ तो खिलाना है, जाहिर सी बात है जानवर है उनका पेट तो भरना है ना यार। तो आपने एक मुट्ठी लेना है फीड, ठीक है, ये हो गई फीड, एक मुट्ठी फीड लेनी है आपने, इसके अंदर एक मुट्ठी चोकर डालना है, ये देखें ये हो गया एक मुट्ठी चोकर, आपने डालना है ऐसे, इसके अंदर एक मुट्ठी चोकर डाल दिया। अब इसके जो है ना मैश करना है, इसको मिक्स कर लेना है और इसको आपने पानी से गीला करना है, पानी से, ठीक है, ताकि जो है ये दलिये जैसा बन जाए। अब जब ये दलिये जैसा बन जाएगा तो इनको शौक से खाएंगी भी ये, और बहुत शौक से खाएंगी। अब ये देखें मेरी ये बकरों की दाल और गंदम खा रहा है, ये देखें भाई ये हमारा बहुत तेज़ मुर्गा है। तो अच्छा ये शौक से खाएंगी जब ये मैश हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एक टाइम का चारा, मुश्किल से ये 15 रुपये भी नहीं यार, ये तो 10 रुपये का पड़ा होगा ये वाला जो चारा है, ये 10 रुपये की इसकी कीमत होगी, ये दोनों चीज़ों की, चोकर और इसकी। तो भाई 10 रुपये में आप मुर्गी का एक टाइम का चारा दे रहे हो, 20 रुपये का पूरे दिन का, तो ये बहुत ज़्यादा, बहुत 20 रुपये भी नहीं भाई, 15 रुपये का पड़ रहा होगा दिन में, क्योंकि 220 रुपये का आप लाएंगे दोनों चीज़ें, और ये 20 दिन तो मस्त चलेंगी, ठीक है। एक किलो चोकर की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है, फीट की भी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो ये 20 दिन आराम से चलेगी आपके एक मुर्गा दो मुर्गी में। तो भाई 15 रुपये में आप पूरा दिन मुर्गी को आप दोनों टाइम खिला रहे हो खुशी से। अच्छा दूसरी एक बात केयर के हिसाब से ही बात कर लेते हैं, जब आपने दिन में आपने अपने मुर्गियों को पानी देना है ना, तो भाई ये एक चुटकी लाजमी, ये देखें इसका नाम है टाइलोफोर्सिन नाम है, ये किसी भी दुकान से मिल जाएगी, बर्ड शॉप से। तो आपने ये एक चुटकी लाजमी दिन में पानी में मिला के देनी है, मेरे ख्याल से इसकी कीमत भी 50 या 60 रुपये होगी, मुझे याद नहीं है। तो एक चुटकी आपने ये डालनी है लाजमी, ये जो है जानवरों को बीमारी से बचाता है, हवा चल रही होती है गर्मी में बहुत सी बीमारियाँ आती हैं, तो यार आपने लाजमी इस चीज़ पर फोकस करना है अगर मुर्गियों को बचाना है, क्योंकि ये नज़ले में आती हैं, थोड़ी सी भी ये बीमार होंगी 2 से 3 दिन में ये एक्सपायर होती है, इससे ज़्यादा नहीं बचती, ठीक है। तो आपने पहले से केयर करनी है इनको, डेली एक चुटकी जो है, एक छोटा सा प्याला ले लें, उसके अंदर आपने एक चुटकी ये लाजमी मिला के पिलाना है, और आपका ये हो गया चारा। अच्छा दूसरी बात, जो घर की चीज़ें बचती है ना मुर्गियों को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वो खिलाएँ, ठीक है, ये तो खिलाएँ ये तो ठीक है, बिलफर्ज़ अगर नहीं बची तो ये आपने लाजमी चलानी, लेकिन मुर्गियों को चराने पर रखें, इधर डाल दिया चावल डाल दिए, आपने रोटी भिगो के डाल दी जो घर की रोटी होती है, अब आपका तो और ज़्यादा सस्ता, आपको 220 रुपये भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे, जो घर की रोटी बचती है आप उसको भिगो दें रात को, ठीक है, सुबह उसको मैश करके दे दें, एक टाइम का ये हो गया। बिल फर्ज अगर एक टाइम रोटी नहीं होती तो आपने ये चारा दे देना है, ताकि उनका पेट भर जाए, और इससे ये है कि ग्रोथ भी अच्छी करेंगी। चोकर देखें आटे से बनता है, गंदम से बनता है, इसकी भी ताकत है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, जो उसकी जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो फीड पूरे कर देता है, क्योंकि वो मछली से बहुत सारे आइटमों से फीड बनती है। मैं एक बार कंपनी भी गया था तो यार 12 से 13 आइटम से एक फीड तैयार होती है, ये जो हम मुर्गियों को खिलाते हैं, तो ये फीड भी लाजमी दिया करें, अंडों के लिए बेहतरीन फीड है ये। तो अभी देखिए मैं, मेरी छत पर जो है ना मुर्गा मुर्गी ऐसे खुले रहते हैं,
तो ये जो है मैं तोतों का जो दाना वगैरह ये भी डाल देता हूँ, बकरों को छिलके ये सब देता हूँ, फ्रूट के आइटम देता हूँ, तो ये चोंच मार मार के खाते रहते हैं। कोशिश करें खुली जगह में रखें मुर्गियों को, तो इनकी ग्रोथ भी बढ़ती है और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे फलते फूलते हैं। ये देखें माशाल्लाह से मेरा मुर्गा, देखें आप, ये देखें भाई माशाल्लाह से, ये देखें आप, बहुत एक्टिव मुर्गा है माशाल्लाह, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।